दोस्तों ये है मारुति सुजुकी की जिमनी, और लोग इतने दीवाने हैं फिलहाल जिमनी के कि उन्होंने ऑलरेडी अपनी अपनी बुकिंग्स करवा चुकी हैं। और मुझे पता है कि अगर आप देख रहे हो तो आपके जानने में से कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसने जिमनी की बुकिंग यहाँ पर कराई है। लेकिन आपने क्या एक पैटर्न नोट किया कि एक क्रोनोलॉजी नोट करी कि महिंद्रा ने ऑलरेडी अपनी 4x2 थार जो है वो लॉन्च करी ऑटो एक्सपो के जस्ट पहले, यानी कि तब जब जिमनी की एंट्री होने वाली थी ऑटो एक्सपो में, यानी कि वो लोग जो एक्चुअली जिमनी का वेट कर रहे थे उनके दिमाग में एक इल्यूशन बनाने के लिए कि कहीं थार ना हम ले लें, क्योंकि वो 4x2 उसी प्राइस पॉइंट पर आएगी जिस पर लगभग जिमनी जो है वो लॉन्च होती हुई नजर आएगी। तो हम आज एक जल्दी से क्विक कंपैरिजन करने वाले हैं जिमनी के बारे में, जिमनी का और थार का। अब आप बोलोगे कि थार कहाँ है, तो मैं अभी स्ट्रेट अवे जाने वाला हूँ आउटलेट पे और आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जिमनी के बारे में बात करते हैं। देखो, जिमनी के डायमेंशन थार के कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, वो कम है कंपैरेटिवली। और अगर मैं यहाँ पर डायमेंशन के बारे में बात करूँ, 3985 mm की इसकी लेंथ, 1645 mm की विड्थ एंड 1720 mm की इसकी हाइट यहाँ पर रहने वाली, जो थार के कंपेरिजन में थोड़ा कम है। बट व्हील बेस 2590 mm का यहाँ पर है। और अगर आप यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो 210 mm की आपकी और यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। अब ज़रा थार के डायमेंशन चेक करते हैं। और दूसरी तरफ है ये महिंद्रा की थार। अब ये 4x4 वर्जन है, हालांकि है ये सॉफ्ट टॉप वर्जन ही, लेकिन जब महिंद्रा थार के बारे में बात करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती है। सबसे पहले तो इसकी डायमेंशन चेक करो। ये देखो, ये है तो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी ही, यानी कि 4 मीटर में आने वाली ही एसयूवी है। बट इसके साथ में अगर आप हाइट देखोगे ना तो ये हाइट में आपको जिमनी से काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगी। और अगर आप यहाँ से विड्थ देखोगे तो विड्थ भी आपको जिमनी से ज़्यादा महसूस यहाँ पर होने वाली है। इनफैक्ट जो स्टैंड है वो जिमनी के कंपैरिजन थोड़ा बची है, आपको ऐसा लगेगा कि यार कहीं ना कहीं ये रोर करती हुई आ रही है। तो वो सारी चीज़ें जहाँ पर जिमनी एक्चुअली शॉर्टफॉल करती है, वो सारी चीज़ें थार को यहाँ पर ओवरकम करती है। मैं रोड प्रेजेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। अगेन चलते हैं जिमनी की तरफ। दोस्तों, क्विक वॉक अराउंड में अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये जो है वो LED DRLs आपको इसके हेडलाइट यूनिट में मिलेंगे देखने में। प्रोजेक्टर सेटअप दिया गया है एंड एक टर्न इंडिकेटर जो है वो हैलोजन बेस्ड ही है, जबकि ग्रिल जो है वो काफ़ी आपको स्लैंट्स के साथ में आएगी, ऐसे स्लैंट जैसे आप महिंद्रा में देखते हैं, हेक्सागोनल बहुत सारे पैटर्न्स और यहाँ पर सुजुकी का लोगो। बट एक अलग चीज़ जो आप यहाँ पर नोटिस करोगे वो है ये जेट, जो कि यहाँ पर स्क्रीन को साफ़ करने के लिए, यानी कि इसकी लाइट को साफ़ करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर नीचे ग्लैम्प यूनिट भी दी गई जो कि हैलोजन पार्ट पर ही है। और ये एक्स्ट्रा एसेसरीज जो है वो यहाँ पर आपको देखने को नज़र आने वाली है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का बोनेट आप यहाँ पर ऑफर होते हुए देखोगे, और ये बोनेट के अंदर कुछ कर्व्स ज़रूर है या हुड ज़रूर है। इस हुड के ऊपर जो है वो कर्व्स बहुत सारे हैं, वो ज़रूर आपको देखने को नज़र आने वाले हैं। चलिए थार का फ्रंट व्यू देखते हैं। दोस्तों, अब ज़रा बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्रंट प्रोफाइल। जहाँ पर महिंद्रा थार में अगर आप देखोगे तो रेगुलर बल्ब ही दी गई है, यहाँ पर आपको कोई प्रोजेक्टर सेटअप या LED DRL इस तरफ दी गई है, बट बहुत छोटी सी DRLs हैं, टर्न इंडिकेटर और ये दोनों ही लैंप जो हैं वो आपको रेगुलर लैंप रिफ्लेक्टर बेस्ड ही नज़र आएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, महिंद्रा का लोगो एंड यहाँ पर स्लैंट्स काफ़ी सारी आपको ऑफर की जाएंगी। नीचे जो है वो फॉग लैंप यूनिट भी दी गई है, और यहाँ पर सेंसर्स भी आपको दोनों तरफ देखने को नज़र आएंगे जो एक्चुअली में जिमनी में प्रेजेंट नहीं है। दोस्तों, अगर हम साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें ना तो यहाँ आप देखोगे कि मतलब बहुत बची नहीं लगती, ऐसा लगता मतलब स्टैंड्स वो वाले थार वाले नहीं हैं, इसके हाइट में भी थोड़ी सी कम है। बट यस, अगर आप एक लाइट वेट ऑफ रोडर के बारे में बात करते हैं, जो कि थार नहीं है, जो कि जिमनी हमेशा से रही है, हमेशा से जितनी भी जनरेशन आई हैं वो लाइट वेट ऑफ रोडर रही हैं। इधर आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है अलॉय व्हील्स का साइज़ काफ़ी छोटा है। इनफैक्ट जो प्रोफाइल है टायर की वो भी काफ़ी कम है, 195/80 रेडियल 15 inches के ये जो है वो टायर्स यहाँ देखेंगे। व्हील आर्च जो है वो कुछ इस तरीके का जीपिश या स्क्वायरिश जो है वो यहाँ पर दिया गया है। प्लास्टिक इंक्लाइडिंग थ्रू आउट द बॉडी पीछे तक यहाँ पर जाती है। ये अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक एडजस्ट के साथ में नहीं आता है, और आपको अंदर से एडजस्टमेंट ज़रूर इलेक्ट्रिक फोल्डेबल आईवोड रेदर से और इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट ज़रूर आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ आपको एक्सेसरीज के पार्ट्स दिए गए हैं, रिक्वेस्ट बटन आता है जो महिंद्रा की थार में नहीं ऑफर किया गया है। चलो साइड प्रोफाइल से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक क्वार्टर मिरर दिया गया है जो कि वर्टिकली माउंट ज़रूर किया गया है। अब चलते हैं और देखते हैं कि थार का साइड प्रोफाइल कैसा है।
तो दोस्तों अगर आप साइड प्रोफाइल से देखोगे, सबसे पहली नजर आपकी जाएगी ये बड़े से टायर्स पे जो 255 सेक्शन के हैं, जबकि जिमनी के 195 सेक्शन के हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही समझा, 195 जिमनी के हैं, 255-65 रेडियल 18 इंचर्स हैं, जबकि जिमनी के जो हैं वो 16 इंचर हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो सस्पेंशन का ट्रेवल भी काफ़ी ज़्यादा है जिमनी के कंपैरिजन में। इनफैक्ट ये वाला सेक्शन आपको लगभग सेम सा नज़र आएगा। ये जो व्हील आर्च आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, टर्न इंडिकेटर इधर ही माउंटेड है, एंड एम हॉक 130 यानी कि 130 पीएस की पावर प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर एंटेना दिया गया है, एंड ये जो आप यहाँ पर ORVM देख रहे हो, ये आपको इलेक्ट्रिक फोल्डेबल तो नहीं आती जिमनी की तरीके से, लेकिन इलेक्ट्रिक एडजस्ट ज़रूर आती है। कोई भी रिक्वेस्ट बटन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको रेगुलर तौर पर ही इसको खोलना पड़ेगा। तो पैसिव कीलेस एंट्री जो है वो यहाँ पर नहीं आएगी थार में, बट ये जो स्टेपर आप देख रहे हो ये काफ़ी प्रैक्टिकल स्टेपर है ताकि आप इंग्रेस कर सकें ईजिली, और मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो इंग्रेस करने के लिए ये ज़्यादा बेहतर जगह है। अब साइड प्रोफाइल से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली जब आप हार्ड टॉप लेते हो तो यहाँ पर एक बड़ा क्वार्टर मिरर आ जाता है, और 5 डोर की जगह यहाँ पे 3 डोर ही मेंशन रहते हैं। ये वाला जो पोर्शन जो मैं आपको बता रहा था, ये आपको मैन्युअली ही यहाँ पर जो है वो यहाँ पे खोलना पड़ेगा, जबकि जिप्सी में आप अंदर से ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए रियर प्रोफाइल में चलते हैं। दोस्तों रियर प्रोफाइल से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको डिफॉगर यूनिट मिलेगा, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, वॉशर, वाइपर, रिक्वेस्ट बटन पीछे का, और जिमनी की बैजिंग इधर। नीचे भी टेल लाइट यूनिट जो है वो आपको काफ़ी नीचे दी गई है, और अप्रोच और डिपार्चर एंगल मैं आपके लिए स्क्रीन पर यहाँ पर लगा दूंगा। 4 रिक्वेस्ट सेंसर्स आपको यहाँ पर ऑफर किए गए हैं, और उनकी प्लेसिंग अलग अलग बहुत क्लोज है, लेकिन डायरेक्शन अलग है। ये देखोगे आपको, आप ये एक एंगल पे ऑफर होता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से इसका व्यू जो है वो और बढ़ जाता है। नीचे से मुझे डिफरेंशियल जो है वो नज़र आ रहे हैं, एक्सल जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये है इसका रियर व्यू। लेकिन एक चीज़ जब आप जिमनी के बारे में बात करते हैं ना, तो ये जो फ्यूल लिड है वो आप अंदर से ऑपरेट कर सकते हो, अंदर से उसको जो है वो यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हो, और इसकी कैपेसिटी भी डिसेंट है, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। लेकिन थार के कंपैरिजन में आपको चाबी से निकालना पड़ता है, गाड़ी को बंद करना पड़ता है, इसको अनलॉक करना पड़ता है, और तब जाके आप फ्यूल टॉपअप यहाँ पे करवा सकते हो, विच इज़ अ मेजर ड्रॉबैक इन थार। दोस्तों रियर प्रोफाइल में देखोगे तो यहाँ पर जो है थार की बैजिंग, अटेंशन टू डिटेल देखोगे, थार की बैजिंग दी गई है, और जो रियर के टेल लाइट्स हैं वो थोड़ा ऊपर माउंट किए गए हैं। 2 ही पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, जबकि एक बड़ा सा स्पेयर व्हील आपको इधर विद अलॉय व्हील्स ऑफर होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर आप सॉफ्ट टॉप देख रहे हैं तो आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स यहाँ नज़र नहीं आएगी, बट हाँ जब आप यहाँ पर हार्ड टॉप देखेंगे तो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप कुछ इस जगह पोजीशन यहाँ पर रहेगी। वाइपर एंड डिफॉगर यूनिट भी आपको देखने को नज़र आएगा। दोस्तों अगर यहाँ पे आप देखें तो रिक्वेस्ट बटन जैसे कि मैंने आपको बताया था वो दिया गया था, और ये जो है वो 208 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है। 208 जो है वो मुझे लगता है थार से तो काफ़ी बेहतर बूट है, लेकिन अगर आप चाहें तो इन दोनों सीट्स को नीचे डाल सकते हैं, क्योंकि ये 50/50 रेशियो में स्प्लिट होने वाली सीट्स हैं। अगेन यहाँ पर एक 12 वोल्ट का DC सप्लाई भी दिया गया है, जस्ट इन केस आपको जो है वो पंचर लगाना है गाड़ी में या कुछ और ऐसा एसेसरी यूज़ करनी है तो आप पीछे बूट से भी जो है वो एक्सेस ले सकते हो, जो कि थार में एक्चुअली मिसिंग है। ये इतनी बूट स्पेस थार में नहीं है, मुझे लगता है यहाँ पे सफिशिएंट इनफ जो है वो आप स्टोरेज इसको समझ सकते हो। अगर आप ये दोनों गिरा देंगे, सीट्स गिरा देंगे, तो तकरीबन 332 लीटर का बूट आपको यहाँ पर ये ऑफर करने वाली है। चलिए थार का बूट ज़रा चेक करते हैं। अब ज़रा बूट चेक करते हैं। इसके बूट में अगर आप देखें तो आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ इतना स्पेस ही आपको यहाँ पर मिलेगा, और इतने स्पेस में आप यहाँ पे 50/50 में स्प्लिट होने वाले इन सीट्स को देखेंगे। अगर आप जिमनी में देखेंगे तो यहाँ पर बूट जो है ना वो ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आती है, क्योंकि आप सामान वगैरह इधर रख सकते हैं, बट इस वाले पोर्शन पे अगर आप देखें तो ये इंक्लाइन बहुत ज़्यादा है। हालांकि आप इसको आगे की तरफ इंक्लाइन या रिक्लाइन कर सकते हो बट टू सर्टेन एक्सटेंट, जबकि जिमनी में ये पूरा पैनल ही जो है वो कुछ अलग तौर से डिज़ाइन किया गया है। तो फिलहाल इसको बंद करते हैं और इंटीरियर्स ज़रा चेक करते हैं। दोस्तों अगर मैं इंटीरियर्स के बारे में बात करूं तो वी आर नॉट अलाउड टू गेट इनसाइड द कार, बट हाँ आपको ज़रूर मैं दिखा सकता हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को नज़र आएंगे, जैसे कि ये स्टेयरिंग कॉलम, और ये काफ़ी कैरी फॉरवर्ड किया गया है, इसके अंदर स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है, इंजन स्टार्ट ऑफ बटन है, जो एक्चुअली आपको यहां पर महिंद्रा थार में मिसिंग नज़र आएगा। इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल आपको यहां पे ORVM देखने को नज़र आते हैं,
और अगर आप थोड़ा उस तरफ चलें तो डैशबोर्ड पे आपको सेंटर कंसोल पे जो है वो एक इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को नज़र आने वाला है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स के साथ में आता है। टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। नीचे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और उसके नीचे बहुत सारे नॉब्स दिए गए हैं जिसमें आप विंडो के कंट्रोल्स भी ऑफर होते हुए देखोगे। ये क्योंकि आपको 4x4 मॉडल यहाँ पे देखने को नज़र आ रहा है तो आपको एक 6-speed AT ऑफ़र होता है, जिसके साथ में एक छोटा गियर लीवर भी ऑफ़र किया गया है जो 2L, 2H and 4H को भी यहाँ पर कंपैटिबल रहने वाला है दोस्तों। सो ऑल अक्रॉस अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो स्पेस डिसेंट इनफ है, मैं जहाँ तक महसूस कर पा रहा हूँ, बिकॉज हम लोग अंदर नहीं जा सकते तो इस वजह से यहाँ पर आप कुछ इस तरीके की स्पेस जो है वो खुद महसूस कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इंग्रेस करूँ तो फुटस्टेप दिया गया है उसके तरीके से मैं इंग्रेस कर सकता हूँ, बट यहाँ अगर मैं देखूँ तो चीज़ें बिल्कुल ही अलग एंड पर हैं। ये डिज़ाइन वाइज अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है ज़्यादा एंगेजिंग है कंपैरेटिव टू जिमनी। आपके पास में एक स्टेयरिंग व्हील मिलता है, बड़ा स्टेयरिंग व्हील है, बटन्स हैं उसके ऊपर। आपको जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है वो ज़रूर आपको टैकोमीटर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में स्पीडोमीटर, एसी के वेंट्स इधर, और ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इतना स्मार्ट नहीं है जितना आपको जिमनी का जो है वो यहाँ पर देखने को नज़र आएगा। बट हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो थ्रू आउट द केबिन आप अगर आपकी नज़र जाएगी, जैसे कि सीट्स वो ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं जिमनी के कंपेरिजन में। और अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे 5-speed की जगह 6-speed का ट्रांसमिशन आपको ऑफर होता हुआ नज़र आएगा। 2H, 4H एंड 4L उसका लीवर अलग से यहाँ पर ऑफर कर दिया गया है। बाकी तो सारे नॉब्स हैं, और जैसे कि आप क्लाइमेट कंट्रोल के नॉब्स यहाँ पर देखेंगे, और कुछ ग्लास होल्डर्स यहाँ पे आप देखेंगे, पार्क ब्रेक, और यहाँ पर जो है वो विंडो के कंट्रोल्स भी ऑफर कर दिए गए हैं। तो वैसे अगर हम बात करें तो एक अच्छा लुक ज़रूर इंटीरियर्स में यहाँ पर दिए गए हैं। दोस्तों अगर हम सेकंड रो के बारे में बात करें तो यहाँ पर स्पेस देखिए आप कितना अच्छा है, और कन्वीनियंस ही काफ़ी अच्छी है। मैं देखूँ तो लेग रूम, अंडर थाई सपोर्ट, रिक्लाइन एंगल, ये सारी ही चीज़ें मुझे थार से ज़्यादा बेहतर महसूस हो पा रही हैं। अच्छा खासा आपको हेडरूम मिलता है, यहाँ पे क्लस्ट्रोफोबिक का फील नहीं करोगे जो थार में थोड़ा सा लगता है, क्योंकि वहाँ पर हम अगर उसको कहें तो वो एक प्रॉपर 2-seater है। अगर 4-seater जो है वो उसको कहा जाए तो वो परफेक्ट 4-seater नहीं होगी, जबकि जिमनी के साथ में ये एडवांटेज काफ़ी बड़ा जुड़ा हुआ है। ना केवल इसकी सेकंड रो बट बूट में भी आपको जो है वो कुछ इसी तरीके की स्पेस मिलती है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन पहले थार में चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर सेकंड रो में अगर आप देखेंगे तो इंग्रेस करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि आपको ये टम्बल डाउन करनी होती है, और तब आप यहाँ से केवल इतने एरिया से जो है वो इंग्रेस यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं एक बार अंदर आ जाता हूँ और इसको वापस अपनी पोजीशन पे कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर सेकंड रो में मैं फ़िलहाल हूँ, और जो कंफर्ट मुझे जिमनी में महसूस हो रहा था कि मुझे आएगा, वो कंफर्ट यहाँ पर नहीं है। रीज़न बीइंग अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पूरा व्हील आर्च का जो पोर्शन है वो यहाँ पर आ पा रहा है, और मैं ढंग से नहीं बैठ पा रहा हूँ। इनफैक्ट जो मेरा अंडर थाई सपोर्ट है वो भी कम है कंपेयर्ड टू जिमनी, और आप चाहें तो इसको जो है वो कर सकते हैं। और आगे और पीछे यहाँ पे आपके पास में एक ऑप्शन ज़रूर मिलता है, तो आप अपना रिक्लाइन वगैरह ज़रूर कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इनफ स्पेस है, लेकिन जब लेग रूम की बारे में बात होती है तो वो व्हील आर्च ज़रूर यहाँ पर जो है वो अटकता है, वो परेशान करता है। तो लॉन्ग जर्नी में ज़रूर मुझे यहाँ पर कम कंफर्ट महसूस होगा कंपैरेटिव टू जिमनी, बट हेडरूम की जो है वो कमी नहीं है। काफ़ी अच्छा खासा हेडरूम यहाँ पे आपको मिलता है। इनफैक्ट ये देखिए यहाँ पर स्पीकर सिस्टम जो है वो सराउंड क्वालिटी काफ़ी मज़ेदार है, और एक लाइट जो है वो शेयरेबल दी गई है, जबकि जिमनी में पीछे रीडिंग लैंप्स आपको अलग से मिलती है। ग्रैब हैंडल आपको इधर, और ये देखिए रोल केजेस जो है वो आपको ऑल अक्रॉस द बॉडी देखने को यहाँ पे नज़र आने वाले इस सॉफ्ट टॉप में। सो जिमनी जो स्पेस के मामले में मुझे लगता है सेकंड रो कंफर्ट एंड बूट उसमें ज़्यादा बेहतर है कंपैरेटिव टू थार। अब मुझे वेट 5-seater थार का ज़रूर रहेगा, क्योंकि जब 5-seater थार आएगी तो ये सारी परेशानियाँ जो हैं वो बिल्कुल सॉल्व आपकी होती हुई नज़र आएगी। दोस्तों जिमनी के साथ में जो इंजन इस्तेमाल किया गया है वो वही इंजन है जो आप ब्रेज़ा में देखते हो, अर्टिगा में देखते हो, एक्सल 6 में देखते हो, इन सभी में वो इंजन आता है। और यहाँ पर भी एक 1.5-liter का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। अब ये जो इंजन है वो तकरीबन 103 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, और इसको मेट किया गया एक 4-speed AT के साथ में एंड एक 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। ये तकरीबन 134 Nm का टॉर्क भी यहाँ पर डिलीवर करता है।
फ्रंट में अगर हम सस्पेंशन के बारे में बात करें तो थ्री लिंक रिजिड एक्सल टाइप कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन है और रियर में भी सेम सस्पेंशन यूनिट यहाँ पर दी गई है। एंड जो रैम्प ब्रेक ओवर एंगल है वो 24 डिग्रीज का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों चलिए थार की तरफ चलते हैं। दोस्तों महिंद्रा थार में थोड़ा सा अलग सिस्टम है और कुछ इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर इसके इंजन बे को एक्सेस कर पाओगे और यहाँ से आपको ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाना पड़ेगा। ये जो इंजन है वो 2.2 लीटर का डीजल इंजन है और अगर आप चाहें तो इसमें पेट्रोल वर्जन भी ले सकते हैं, 2.0 लीटर का GDI इंजन भी ले सकते हैं। एम स्टैलियन एंड एम हॉक ये अलग अलग तरीके से कोडनेम किए गए हैं महिंद्रा द्वारा। 130 PSA प्रोड्यूस करता है अपने डीजल इंजन में और दो तरीके की ट्रांसमिशन है, या तो आप मैनुअल ले 6-speed मैनुअल या 6-speed AT ट्रांसमिशन, पेट्रोल और डीजल दोनों में ही अवेलेबल है। जबकि जिमनी जो है वो लिमिटेड है केवल एक पेट्रोल इंजन में जो इतने ज़्यादा पावर फिगर्स भी जनरेट नहीं करता। इसके कंपैरिजन 103 PSK वो पावर प्रोड्यूस करता है एंड केवल पेट्रोल इंजन ऑप्शन ही है, जबकि इसमें केवल और केवल 4-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यूनिट आता है। जबकि मारुति सुजुकी के पास में ऑलरेडी एक 6-speed AT है जो वो प्रेजेंट जनरेशन अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में 6-AT ना अडॉप्ट करके 4-AT अडॉप्ट करना थोड़ा सा लगता है कि यार केवल 4-speed में वो एक्सपीरियंस शायद ना मिले, स्पेशली तब जब आप हाईवेज पर हैं उसको क्रूज कर रहे हो। सो यस, दीज आर द इंजन ऑप्शंस। सो गाइस अब कंक्लूड करते हैं, क्योंकि थार जो है वो 4x2 में भी अवेलेबल है एंड 4x4 में भी अवेलेबल है, बट इसको अगर हम रियल में चेक किया जाए तो 4x4 के साथ में ही इसका डायरेक्ट अराइवल होना चाहिए, क्योंकि जिमनी जो है वो 4x4 में ही अवेलेबल होगी, 4x2 में अवेलेबल नहीं होगी। हालांकि आपके पास में 4x2 में चलाने का उसमें ऑप्शन ज़रूर मिलने वाला है। तो 4x2 अगर हम देखें, कंपेयर करें तो 10 लाख के करीब जो है वो थार यहाँ पे पड़ रही है एक शोरूम और वेटिंग पीरियड काफ़ी कमाल का है उस पर। और अगर मैं यहाँ पे जिमनी की बात करूँ तो वो भी तकरीबन 10 लाख के आसपास जो है वो एक शोरूम कॉस्ट करनी चाहिए, 10 से 11 के आसपास जो है वो एक शोरूम कॉस्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो अपर वेरियंट्स में ही अवेलेबल होगी। दो ही वेरियंट उसमें आएंगे, जेटा एंड एल्फा। ऐसे में वो लोग जिनको थोड़ा कम्फर्ट ज़्यादा पसंद है, जिनको ये है कि यार चलो शो के साथ में मतलब रोड प्रेजेंस अच्छी हो जाए, एक अच्छी गाड़ी देखने में मिल जाए और साथ साथ कंफर्ट मेरा ना जाए, तो वो जो है वो जिमनी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। बट वो लोग जिनको एक बची स्टैंड चाहिए, जिनको एक अच्छी रोड प्रेजेंस तो चाहिए चाहिए, एक पावरफुल इंजन भी चाहिए, एक अच्छा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए, और वो लोग जो स्पेशली महिंद्रा थार के पुराने फैन हैं और महिंद्रा SUVs में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो उनके लिए थार जो है वो ज़रूर बनी हुई है। ये अभी भी मिलेनियल्स की पहली चॉइस रहती है। हालांकि देखते हैं कि कितना टाइम में परिवर्तन आता है जब हम इन दोनों ही गाड़ियों को कंपेयर करेंगे प्रॉपरली, जब हम चला के देखेंगे तब जानेंगे कि कितनी ये लाइफस्टाइल व्हीकल्स एक्चुअली में आपके लिए प्रैक्टिकल है कि नहीं। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। अगेन कीप लविंग कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग। ड्राइव सेफ गाइस।